Hello my dear students and viewers, today I am going to teach you your previous chapter, chapter 3, Reconstitution of Partnership Firm. इससे पहले मैं इसके ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ. उसमें हमने क्या डिस्कस करा था, उसमें हमने ये डिस्कस करा था कि गुडविल क्या होती है और उसके क्या क्या मेथड होते हैं. तो इसके तीन मेथड होते हैं, आपको पता ही है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. तो हमने एवरेज प्रॉफिट उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करा है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो. वैसे सब वीडियो मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है. तो इस वीडियो को करने से पहले, समझाने से पहले, आप लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए अगर आप पहली बार आए तो. और अगर आपको हमारी वीडियो और देखनी है तो आप बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. तो आज हम सीखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइज मेथड. तो सबसे पहले हम सीखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड. तो इसमें देखो कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे. तो क्या क्या स्टेप्स हैं ये देखो. पहले कैलकुलेट दी एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन पास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ परफॉर्मेंस. जो आपको जो भी प्रॉफिट दे रहा होगा, जैसे 5 साल का दे रहा है, तो उसमें आपको एवरेज प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा. ठीक हो गया. सेकेंड स्टेप ये है कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. ठीक है. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू नंबर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है. ठीक हो गया. फिर थर्ड में निकलेगा आपका सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. आपने सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला था, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था. तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट आप माइनस कर दोगे तो आपका आएगा सुपर प्रॉफिट. फिर आपको उसके बाद पता ही है कि आप निकालते हो गुडविल. तो गुडविल कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो एक सिंपल सा हम इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको अच्छा सा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा. देखो मेरा सोचना यह है कि आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है. क्वेश्चन चाहे आप 1000 कर लो, अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप का वेस्ट ऑफ टाइम है वो. ठीक है. आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो यहाँ मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि सुपर प्रॉफिट मेथड में जब हम गुडविल निकालते हैं तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर क्या करना है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, फिर क्या करना है उसका एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देना है, तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाता है. फिर आप गुडविल, आपको जानते ही हो, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो यहाँ एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो. द बुक्स ऑफ ए बिजनेस शो दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन द दिसंबर 31st 25 लाख. अब देखो यहाँ क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे दिया 5 लाख. ओके. और लास्ट 5 ईयर के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं, 2016 का 40,000, 2017 का 50,000, 2018 का 55,000, 2019 का 70,000 एंड 2020 85,000. तो ये हमें प्रॉफिट दे दिए हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज ऑफ. ठीक है. 3 ईयर परचेज करिए हमने गुडविल, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना आया है, 3. ठीक है. एंड सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस गिवन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10%. अब यहाँ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको 10% दे रखा है. सब कुछ आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपको बस फाइंड आउट करना है एवरेज सुपर प्रॉफिट और गुडविल. ठीक हो गया. सबसे पहले मैंने आपको स्टेप बताया था कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है. तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जो आपको 5 ईयर्स का दे रखा है प्रॉफिट, उनको प्लस करो, अपॉन 5 कर दो, तो आपका आ गया 60,000. ठीक है, आ गया 60,000. ठीक है. फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, कैपिटल इंप्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. तो आपका कैपिटल इंप्लॉयड आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है 5 लाख, तो 5 लाख लिख दिया, इंटू आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है यहाँ 10%, तो 10% 10/100 लिख दिया, तो आपका 50,000 आपका क्या आ गया, आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है. आप सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट था आपका 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट था 50,000, तो इसका डिफरेंस कितना आया, 10,000. ठीक. फिर आप इसका गुडविल निकाल लो.
सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो आपको नंबर ऑफ ईयर परचेस यहाँ दे रखा है साफ साफ क्वेश्चन में 3 इयर्स, तो 10,000 × 3, 10,000 कहाँ से आया, जो आपने सुपर प्रॉफिट निकाला था, तो आपका आ गया 30,000। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया यहाँ सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो हमने सिंपल सा देख लिया। यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका ये फॉर्मूला, ठीक है, कैसे कैसे स्टेप्स बनते हैं और ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन लिखो, ठीक है, और इसको खुद सॉल्व करो। ओके हो गया। अब देखो, अब आएगा हमारा कैपिटलाइज मेथड, ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड होगा। हमने अभी तक एवरेज प्रॉफिट पढ़ लिया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें दो मेथड होते हैं, एक तो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक होता है कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। जो हमने अभी तक दो सीखे उन्हीं के ऊपर, कि एक तो आप कैपिटलाइज निकालोगे एवरेज प्रॉफिट से, एक आप निकालोगे सुपर प्रॉफिट से। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट से कैसे हम कैपिटलाइजेशन निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये है इसका स्टेप कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है, सब क्वेश्चन में ऐसे ही एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है जो भी आपको फ्यू इयर्स का परफॉर्मेंस दिया होगा। फिर सेकेंड स्टेप क्या आपका, आप निकालोगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालोगे, कि एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अटेंशन हो जाओ, आगे देखो, आगे क्या है कि थर्ड स्टेप आपका कि आपको नेट टेंजिबल एसेट्स निकालनी है, क्योंकि आपको इसमें दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो आपको नेट टेंजिबल एसेट्स इसमें निकालनी पड़ेगी। तो यहां आपका क्या है, आपको पता ही है, अच्छे से पता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटीज होंगी इसमें माइनस। तो आगे देखो इसमें क्या है, एक्सक्लूडिंग गुडविल। एक्सक्लूडिंग गुडविल मतलब कि गुडविल को इंक्लूड उसमें नहीं करना है, ठीक है, गुडविल को निकाल के हमें जो एसेट्स मिलेगी वो टोटल एसेट्स को माइनस करना है आउटसाइड लायबिलिटीज से, ठीक है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, अब है कि जब गुडविल निकालोगे कैसे निकालोगे, ये जो आपने निकाला था कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, ये जो निकाला सेकेंड स्टेप पे, इसमें से माइनस कर दो ये जो थर्ड स्टेप निकाला था नेट टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, फिर एक बार रिवीजन कर लो, क्या रिवीजन करोगे, देखो एवरेज प्रॉफिट निकालना सबसे पहले, जो कि आप निकालते हो बहुत अच्छे से पता आपको, फिर आपको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है, कैसे, जो एवरेज प्रॉफिट निकाला इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, ये निकाल दिया। फिर क्या करना है आपको, नेट टेंजिबल एसेट्स निकाल लिए, ये कैसे निकालोगे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है, टोटल एसेट्स में से आपको गुडविल हटा देना है, गुडविल आपको रखना नहीं है उसमें, ये बात ध्यान रखना हमेशा, ये बात लिख लो, चाहे ये आपका पॉइंट सबसे अच्छा पॉइंट है इसका, ठीक है। और फिर निकालोगे गुडविल, गुडविल आपको पता ही है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स, यहां आपको नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, यहां आपको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म से माइनस करोगे नेट टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। अब यहां एक क्वेश्चन देख लो सिंपल सा, ठीक है, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपके सामने, तो यहां देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, ठीक है, इसने सीधा सीधा आपको एवरेज प्रॉफिट दे दिया, आपको कोई एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत ही नहीं है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, ठीक है, लास्ट फ्यू इयर्स का ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर बिजनेस इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी इसने दे दिया 10%, द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल, ठीक है, गुडविल हटा के जो टोटल एसेट्स है बिजनेस की वो है 10 लाख, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज है इसकी 1,80,000। अब आप सिंपल सा इसका निकाल लो, आपको एवरेज प्रॉफिट तो निकालना ही नहीं है, तो सीधा सीधा आप पहले ही निकाल लो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, ये आप निकाल लो। कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है इसे आप NRR भी कह सकते हो। वैसे शॉर्ट फॉर्म तो बनी आती है, शॉर्ट फॉर्म तो आप अपने अकॉर्डिंग बना ही लोगे, ठीक है। तो आपने यहाँ करा 1 लाख आपको दे रखा था नॉर्मल प्रॉफिट और 10% आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा था, तो आपका टोटल क्या आ गया, 10 लाख आ गया, ठीक है। 10 लाख रुपए आपके आ गए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फिर आपको निकालना है नेट टेंजिबल एसेट्स। तो नेट टेंजिबल एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, या आप इसे कह सकते हो एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, एसेट्स में गुडविल इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो आपको यहाँ दे रखा है साफ साफ 10 लाख और लाइबिलिटीज दे के 1,80,000, तो आपने माइनस करा तो आपको आ गया 8,20,000। बात क्लियर हो गई। फिर आप इसका गुडविल निकालोगे, जब तक गुडविल निकालोगे तो क्या फ़ायदा इस फॉर्मूले का। तो गुडविल निकाला, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स, तो 10 लाख आपने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकाला था, 8,20,000 आपने नेट टेंजिबल एसेट्स निकाला है, तो आपका टोटल कितना आ गया है 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 आपका क्या आ गया है, गुडविल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका पहला मेथड होता है। पहला मेथड कौन सा, दो मेथड पढ़े थे ना हमने, कौन कौन से पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने कि कैपिटलाइज टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज, दूसरा है सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइज। तो अब देखेंगे हम सुपर प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये भी नोट डाउन कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बहुत अच्छे से, और फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, जब सुपर प्रॉफिट से निकालते हैं हम, तो सुपर प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड ऑफ द फर्म, ठीक है। एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड ऑफ द फर्म, जो कि आपने अभी जब आपने कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट पर निकाला था, तो आपको कैपिटल इंप्लॉयड ऑफ द फर्म निकालना पड़ता है, तो यहाँ आपको सबसे पहले वही निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कैपिटल इंप्लॉयड निकाला कैसे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है। फॉर्मूला वही है सेम, एक्सक्लूडिंग गुडविल, यानी कि गुडविल इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। फिर सेकेंड स्टेप में क्या निकालोगे, निकालोगे नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। क्या निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल इंप्लॉयड इंटू NRR या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक हो गया। फिर कैलकुलेट करोगे एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, सब आपको कैलकुलेट करता हो चलना है इसमें। पहले कैपिटल इंप्लॉयड निकाल दिया, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिया, फिर निकाल दिया एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको सुपर प्रॉफिट निकाल ही लोगे। कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट जो आएगा उसमें से माइनस कर दोगे नॉर्मल प्रॉफिट को, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट को आपने माइनस कर दिया, ये जो सेकंड और थर्ड स्टेप है, सेकंड स्टेप में आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला और थर्ड स्टेप में आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है। तो हमने यहाँ ये एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर दिया नॉर्मल प्रॉफिट को, आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। फिर आप इसकी गुडविल निकाल दोगे सेम, मगर गुडविल यहाँ थोड़ा अलग है, ठीक है। गुडविल कैसे निकलेगी ये देखो, गुडविल है सुपर प्रॉफिट जो आपने निकाला था, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका दो जगह यूज हो गया है यहाँ, कहाँ कहाँ, एक तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में और एक आपका गुडविल निकालने में, ठीक है। अब इसका सिंपल सा एक क्वेश्चन देख लो और आपको ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी नोटबुक में से नोट डाउन कर लो और वीडियो को पोस्ट कर दो, जब आप, ठीक है, जब आप लिख लोगे तो आप इसे ओपन कर लेना, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, ए पार्टनरशिप फॉर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, 3 ईयर्स में इन्होंने प्रॉफिट कमाया, कितना कमाया देखो, 1790 में 1,19,000, 1890 में 2,20,000, 1920 में 2,50,000, ठीक है। फिर क्या क्या रखा है इन्हें, द कैपिटल इंप्लॉयड इन द फर्म थॉट आउट अबव मेंशन पीरियड हैज बीन 4 लाख, इसने कैपिटल इंप्लॉयड आपको सीधा सीधा दे दिया 4 लाख, ठीक हो गया। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15% रिटर्न ऑन कैपिटल, ये आपका क्या आया 15% नॉर्मल
रेट ऑफ रिटर्न मिल गया आपको, ठीक है। द रेमोरेशन ऑफ ऑल पार्टनर्स ड्यूरिंग द पीरियड एस्टिमेट ऑफ 1 लाख पर एनम, ठीक है। यह आपको दे रखा है क्या, रेमोरेशन दे रखा 1 लाख। और देखो अब आपको इससे इसने पूछा है कि क्या कि आपको गुडविल निकालनी है दो बेसिस पे, एक तो निकालनी है कि सुपर प्रॉफिट से निकालनी है जिसमें कि आपको 2 ईयर परचेज दे रखा है, ठीक है, ये निकालना है। दूसरा आपको कैपिटलाइज मेथड से निकालना है। तो अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कैसे हम निकालते हैं, आपको स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन भी दिखेगा, उसके साथ आंसर भी दिखेगा, ठीक है। तो यहां देखो अब कि सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट में कैसे निकालेंगे देखो, यहां ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखो सुपर प्रॉफिट से सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें दे रखा था 4 लाख इनटू आपका रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15 अपॉन 100 कर दिया आपने, तो आपका आंसर आ गया 60,000। तो ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। फिर आपने एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस एनुअल रेमोरेशन ऑफ ऑल पार्टनर्स हो गया, ओके। तो एवरेज प्रॉफिट आपको यहाँ निकालना पड़ेगा, कैसे निकालना पड़ेगा देखो, 1,19,000 प्लस 2,20,000 प्लस 2,50,000 अपॉन 3, यहाँ लिख दिया आपने, ठीक है। फिर माइनस करा 1 लाख क्या था, ये आपकी लाइबिलिटीज थी जो आपको पार्टनर्स को देनी थी, ठीक है। तो ये आपने इसमें से माइनस कर दिया, आपका एवरेज प्रॉफिट आया 2,20,000 माइनस कर दिया ऑल पार्टनर्स का रेमोनरेशन 1 लाख, तो आपका आ गया 1,20,000। अब सुपर प्रॉफिट निकालो, सुपर प्रॉफिट के लिए आपने नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लिया। अब एवरेज प्रॉफिट से माइनस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट को, तो एवरेज प्रॉफिट आपका आया था 1,20,000, नॉर्मल प्रॉफिट आता 60,000, तो आपका टोटल आ गया यहाँ माइनस करके 60,000। अब इसकी गुडविल निकालोगे, गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखा था कि 2 साल का निकालना, तो आपने सुपर प्रॉफिट को इंटू कर दिया नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आपने 60,000 इंटू 2 कर दिया, 1,20,000 आपका आ गया है, ओके। अब निकालेंगे हम यहाँ कैपिटलाइज मेथड से, ठीक है, क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज मेथड से हम इसे निकालेंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कैपिटलाइज के लिए हम निकालते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 माइनस अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला ही था इसमें सुपर प्रॉफिट के लिए, कितना आया था आपका 1,20,000, ठीक है, ये निकाला ना एवरेज प्रॉफिट, देखो ये निकाला है ना एवरेज प्रॉफिट 1,20,000। तो ये लिख दिया हमने इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रखना है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये दे रखा आपको 15%, तो 15% आपने यहाँ रख दिया, कितना आ गया आपका 8 लाख आ गया, सिंपल है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में मेंशन था 4 लाख, ठीक है, ये है देखो 4 लाख आपको दे रखा था पहले से ही, ठीक हो गया। अब तो सिंपल ही निकालना, गुडविल का कैसे निकालोगे, कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कर दिया, तो आपने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी निकाली थी 8 लाख और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था 4 लाख, तो इसमें से माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया 4 लाख, ओके स्टूडेंट्स। तो ये ऑलमोस्ट आपकी 20 मिनट्स की वीडियो बन गई है, तो हमने इतनी मेहनत करी है तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, और ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि इसमें मैंने आपका आज गुडविल के सब मेथड क्लियर कर दिए, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, वो अगर नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। दूसरा, इस वीडियो में हमने सुपर प्रॉफिट देख लिया और कैपिटलाइज मेथड देख लिया है। कैपिटलाइज मेथड में हमने कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट से भी निकाला और कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट से भी निकाला है, ओके स्टूडेंट्स, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।